नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें कि कल एमपी बोर्ड ने एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की थी, जिस पर बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर नकल पर नकेल कस दिया गया है। जी हाँ, यदि कोई भी छात्र या छात्रा नकल करते पकड़ा जाएगा तो उस पर सीधा सीधा NSA लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने राज्य या बोर्ड का कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखें, जिससे कि आपके राज्य से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने सत्र 2023 और 24 के लिए 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। इससे बहुत बड़ा बदलाव यह हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर इसे किया गया है। अभी तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब उनकी जगह रिक्त स्थान सत्य वाले, एक वाक्य वाले, अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं इस बार 2024 में प्रश्न पत्रों की इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे बच्चों की क्षमता का सही मूल्यांकन हो सके। इसमें तर्क शक्ति आधारित प्रश्न भी शामिल किए हैं, जिससे विद्यार्थी से अध्ययन करें और उसमें तर्क शक्ति का विकास हो। इससे उन्हें इस तरीके की पढ़ाई और परीक्षा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में आसानी होगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि किस तारीख से परीक्षाएं शुरू होंगी, अभी तक यह क्लियर नहीं किया गया है। साल 2024 में बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी महीने से होंगी, केवल इसकी जानकारी दे दी गई है। यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2024 तक की जाएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार ने यह फैसला सही लिया है या फिर गलत, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके बोर्ड से संबंधित सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।